बस्मीम लास्ट टाइम हमने लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन की थी उसके कुछ एग्जांपल्स की थी आज हम उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे ठीक है सबसे पहला थ्योरम ये है लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड वी वन वी टू सोन वी एन बिलोंग्स टू कैपिटल वी देन वी वन वी टू सोन वी एन आर लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ वी आई कैन बी रिटर्न एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग रिमेनिंगटर वही मैं कह रहा है कि ये जो हमने कलेक्शन ली है वी में से कैपिटल वी में से इसको हम लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे अगर इसमें से कोई एक वेक्टर ऐसा हो जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए ठीक है लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि लीनियरली डिपेंडेंट की क्या डेफिनेशन है इसके अलावा हमने देखा था कि अगर किसी कलेक्शन में एक जीरो वेक्टर आ जाता है तो फिर उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आप उसको कह सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है और एक सिंगल ज़ीरो वैक्टर भी आ जाए तो वो भी हमारे पास क्या होता है लीनियरली डिपेंडेंट होता है ठीक है अब ये एक और रिज़ल्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कुछ क्लेक्शन आ जाएँ वैक्टर्स की ठीक है हमने उनको चेक करना है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि उनमें कोई एक वेक्टर ऐसा होगा जो बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा मतलब ये है कि उसमें कोई एक वेक्टर ऐसा होगा जैसे ए आई वी आई वैक्टर ऐसा होगा जिसको वी आई वैक्टर जो है वो ऐसा होगा जिसको बाकी वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे जैसे अगर मैं वी आई वैक्टर को लिखूँ तो वो ऐसे लिखा जाएगा ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस सो ऑन प्लस ए आई माइनस वन वी आई माइनस वन प्लस अब देखें जो वी आई वाला वेक्टर था वो तो मैं अब यहाँ नहीं लिखूँगी क्योंकि वही वेक्टर तो हमने बाकी बाकी जो रिमेनिंग रह गए रह जाएंगे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो इधर फिर उसके आगे वाला आएगा ए आई प्लस वन वी आई प्लस वन ठीक है प्लस ओ प्लस ए एन वी एन ठीक है तो ये इस तरह हम लिखेंगे ये ही हमने बेसिकली शो करना है यहाँ पे तो हम प्रूफ की तरफ चलते हैं क्योंकि ये फैन ऑनलीफ के साथ है तो पहले हम एक चीज़ पोस्ट कर लेंगे ठीक है और देन फिर दूसरी प्रूफ करेंगे फिर दूसरी से पोस्ट करके पहली वाली प्रूफ कर देंगे स्पोज करना है कि जो ये जो वी वन वी टू सोन वी एन वैक्टर्स हैं ये कैपिटल वी को बिलोंग करते हैं ये लीनियली डिपेंडेंट है अगर ये लीनियली डिपेंडेंट है तो यहाँ पर हम लीनियली डिपेंडेंट की डेफिनेशन यूज़ करेंगे वो क्या थी कि ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस सो ऑन ए एन वी एन इज़ इक्वल टू जीरो है और इसमें से कम से कम एक ए आई ऐसा होना है जो ज़ीरो नहीं होना ठीक है ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस वन एन वी एन इसमें इसमें कहीं ए आई वी आई टर्म भी होनी है ए आई प्लस वन वी आई प्लस वन टर्म भी होनी है और ए आई माइनस वन वी आई माइनस वन भी टर्म होनी है यानी कि ए आई के ए आई वी आई के आगे भी एक टर्म होनी है ए आई वी आई के पीछे भी एक टर्म होनी है ठीक है तो उसको हम देखते हैं उसको हम कैसे लिखेंगे अब देखें जो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि वो इस तरह की कलेक्शन होनी है ठीक है तो अब देखें मेरे पास ये वाली फॉर्म है ये वाली फॉर्म होगी कि ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ओ ओन प्लस ए आई माइनस वन वी आई माइनस वन प्लस ए आई वी आई प्लस ए आई प्लस वन वी आई प्लस वन ठीक है प्लस ओ ओन प्लस ए एन वी एन इज इक्वल टू ज़ीरो मैंने लीनियरली डिपेंडेंट की डेफ़िनेशन को मजीद आगे प्रोसीड किया है ठीक है अब आपने क्या करना है अब आप ऐसा करें कि ये जो ए आई वी आई है ये इधर वाली साइड पर रहने दें बाकी सारे इधर वाली साइड पर ले जाएँ या आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी वाली एडिटिव इनवर्स वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि उनके इन्वर्स इधर वाली साइड पर भी ऐड कर दें और दूसरी साइड पर भी ऐड कर दें तो अब चूँकि ए वन वी वन का इनवर्स क्या है माइनस ए वन वी वन ए टू वी टू का एडिटिव इनवर्स क्या है माइनस ए टू वी टू तो वो आप इधर वाली साइड पर भी ऐड करेंगे वो आप दूसरी साइड पर भी करेंगे ठीक है तो जब आप दूसरी साइड पर करेंगे तो बेसिकली वहाँ पर क्या रह जाएगा इधर तो सारे वो आइडेंटिटी बन जाएंगे ना फिर तो यहाँ पर सिर्फ ए आई वी आई रह जाएगा दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा माइनस ए वन वी वन माइनस ए टू वी टू एंड माइनस सो ऑन माइनस ए माइनस ए आई माइनस वन वी आई माइनस वन माइनस ए आई प्लस वन वी आई प्लस वन माइनस सो ऑन माइनस ए एन वी एन ठीक है ये टर्म आपके पास रह जाएगी अब दूसरी साइड पर देखें फिर आप क्या करेंगे अब आपको चूँकि वी आई इधर अकेला चाहिए तो आप जो ए आई लिखा हुआ था इसको यहाँ से रिमूव करेंगे चूँकि ए आई है ए आई फील्ड का एलिमेंट है ठीक है तो अब आप फील्ड uh, जो है वो अंडर मल्टीप्लीकेशन भी ग्रुप होती है तो आप उसके मल्टीप्लीकेटिव uh, इनवर्स से उसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों अब आप ये काम जो है वो दोनों साइड पर भी कर सकते हैं ठीक है थीके? तो मैंने जो है उसके इन्वर्स को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर भी मौजूद हर टर्म के साथ और इधर भी इधर तो वो आइडेंटिटी दे देगा तो वी आई केला रह जाएगा लेकिन इधर जो है वो ए आई जो है वो सबके साथ नीचे डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा ठीक है अब आप अगर देख सकते हैं तो ये एक कॉन्स्टेंट है ठीक है और ये साथ कोई वी वन है ये एक कांस्टेंट है ये मैटर नहीं करता वो कांस्टेंट क्या है लेकिन कांस्टेंट है और साथ वी टू है एंड सो ऑन ये एक कांस्टेंट है साथ वी आई माइनस वन है ये एक कांस्टेंट है साथ वी आई माइन आई प्लस वन है प्लस ऑन ये एक कांस्टेंट है और साथ है वी एन तो अगर आप देखें तो ये ऐसा नहीं हो गया कि ये वैक्टर जो है ये जो वी आई वैक्टर है ये बाकी इन वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है तो यहाँ से हमने ये चीज़ शो करनी थी कि अगर हम सपोज़ कर लें कि हम हमारे पास जो कलेक्शन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो वहाँ से ये शो हो जाता है कि जो वी आई वैक्टर है वो इन वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है अब हम इसका दूसरा कन्वर्स करेंगे और कन्वर्स में हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो वी आई वैक्टर है ये इन वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है अब हम शो करेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमने देखा है कि हम सपोज़ uh, करना है ना हमने कि वो बाकी वैक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है तो वो मैंने ऐसे लिख लिया अभी मैंने आपको बताया कि हम लिख सकते हैं इसको अगर हम सपोज करें तो फिर हम ये इस तरह लिख लेंगे इसको ठीक है अब अगर आप ये जो वी आई है इसको दूसरी साइड पर लेकर जाकर बिल्कुल इक्वल टू ज़ीरो कर दें तो क्या आएगा यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस सो ऑन प्लस ए आई ए आई माइनस वन वी आई माइनस वन ये आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना भी लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है साथ के आ जाएगा माइनस वी आई चूँकि आप इधर था तो इधर लेके आए तो माइनस का वी आई हो गया प्लस सो ऑन प्लस ए एन वी एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो अब अगर आप देखें कि आपके पास ए वन ए टू ए थ्री एन सो ऑन ए एन इनकी वैल्यूज़ तो आपको नहीं पता क्या है वो मे बी ज़ीरो भी हो सकती हैं ठीक है लेकिन एक वैल्यू ऐसी है जो आपको पता है जो कि है ए आई की वैल्यू वो क्या है वो है माइनस वन ये तो कभी जीरो नहीं हो सकती ठीक है तो इसका मतलब आपको इन में से कोई एक कॉन्स्टेंट ऐसा मिल गया जो कि ज़ीरो नहीं होगा बाकियों के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन ये जीरो नहीं होगा तो जब आपको पता है कि आप लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन करते हो कि तो उसमें कोई एक भी कांस्टेंट जीरो ना आए कोई एक भी ए आईज़ की वैल्यू ज़ीरो ना आए तो फिर वो क्या होता है वो लीनियरली डिपेंडेंट uh, होता है ठीक है तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वैक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी जैसे अब ये आपके पास एक कलेक्शन दे दी गई है वन वन और टू टू ये दो वेक्टर्स दिए हैं आपने चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है तो आप आई डेफिनेशन भी कर सकते हैं ठीक है और आप इस वाले तरीके से भी देख सकते हैं आप देखें कि ये जो आपका ये वाला वैक्टर है ये दूसरे वैक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा कैसे कि ये जो टू टू वैक्टर है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू कॉमन ले और अंदर वन वन रह जाएगा तो ये जो टू है ये बेसिकली ए का ए वन का, का काम कर रहा है ये जो वन वन है ये वी का, का काम कर रहा है तो आप देखें कि जो आपका ए टू है जो आपका वी टू था जो आपका वी टू वी टू था वो किसके वो ए वन और ए वी वन के फॉर्म में लिखा गया है ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरा वेक्टर है ये पहले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन आपने लिए ये लीनियरली डिपेंडेंट है इस तरह आप अगर आप आग ये देखें यहाँ पे हमने तीन वेक्टर्स की कलेक्शन ली है एक अब आप देखें कि जो एक वेक्टर है टू टू उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है अगर आप देखें तो आपके पास ये टू टू मिल जाएगा अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे अब आपने देखा ये जो ए वन और ए टू की वैल्यूज़ हैं ये टू टू आई हैं यहाँ पर तो ये आपने खुद रखनी होती हैं इसको हिट एंड ट्राई मैथड से चेक करना होता है रखिए क्या वाकई ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा तो आप देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर है ये दो बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये जो कलेक्शन है ये आपके पास क्या है ये लीनियरली डिपेंडेंट है एक और एग्जांपल थी ऐसे ही कि यहाँ पर आपको चार वेक्टर्स की कलेक्शन दी दी गई है तो आपने चेक करना है आप देख सकते हैं कि आपके पास एक वैक्टर ऐसा होगा जो बाकी तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए इसका मतलब ये भी कलेक्शन क्या है ये लीनियरली डिपेंडेंट है नेक्स्ट क्यूर देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड एस के हमने कुछ वेक्टर्स की कलेक्शन ली थी और उसको हमने एस का नाम दे दिया है ठीक है इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स इन वी देन हमने ये दो चीज़ें प्रूव करनी है पहली चीज़ ये कि अगर एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है इफ़ एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट दैन इट्स एवरी सब्जेट इज़ आलसो लीनियरली इंडिपेंडेंट वो ये कहता है कि अगर ये जो क्लेक्शन आपने लिया है ना अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका हर सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट uh, है कि अगर एक कलेक्शन आपने ली है ठीक है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर उसका आप कोई भी सबसेट ले लो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है ठीक है सेकेंड पार्ट उसका यह है कि इफ़ एस इज लीनियरली डिपेंडेंट अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका हर सुपर सेट लीनियली डिपेंडेंट होगा ठीक है यानी कि अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो उससे बड़ा कोई भी सुपर सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा ठीक है ये आपने थ्योरम प्रूव करना है पहला थ्योरम ये देखते हैं कि हमने शो करना है कि अगर वो लीनियर ये हमें गिवन है कि वो लीनियरली एस लीनियरली इंडिपेंडेंट है अगर तो फिर उसका हर सबसेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो मैंने जो आपको बताई थी कि जब हम कलेक्शन लेते हैं वी वन वी टू सो ओन उसमें वी आई माइनस वन भी होता है उसमें वी आई होता है उसमें वी आई प्लस वन होता है फ्लिप प्लस सो प्लस उसमें वी एन होता है ठीक है तो ये उसमें जो है वो सेट में कलेक्शन पड़ी हुई है यानी कि वी वन से वी एन तक जाते जाते बहुत सारी टर्म्स उसके दरमियान में आएंगी और कोई वी आई वाली टर्म भी आएगी और उसके अब ऑफ कोर्स उसके पीछे वाली भी कोई टर्म होगी उसके आगे वाली भी कोई टर्म होगी हो ठीक है तो ये जो है अच्छा अब उसने कहा है कि गिवन है एज लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैंने उसकी डेफिनेशन यूज़ कर ली कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ठीक है और उसकी ये डेफिनेशन थी कि उसमें ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ऑन एन वी एन इज़ इक्वल टू जीरो दैन वो जितने भी ए आईज थे वो सारे जीरो हों तो फिर हम इस कलेक्शन को बोलते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ठीक है अब हमने जो कि उसके सुपर सेट के लिए उसके सबसेट के लिए बताना है क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं तो फिर हम एक सबसेट ले लेते हैं फिर उसके लिए हम एक एस वन कलेक्शन लेंगे अब एस वन चूँकि हमने कहा है ना अब हमने शो करना है कि उसका सबसेट हर सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो फिर हम ऐस का कोई एक सबसेट लेंगे और उसने जो सबसेट लिया है वो ये लिया है वी वन वी टू एंड सो ऑन वी आई यानी कि उसने वी आई तक टर्म्स ले ली हैं ठीक है फॉर सम आई और आई की वेरिएशन कहाँ से है वो वन से एन के दरमियान में ही है कोई ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास जो है वो सेट uh, मेरे पास अगर आ गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये चूंकि वन से सिक्स तक वेरिएशन है तो मैं जो है वो वन टू थ्री फोर तक ले लेती हूँ ठीक है तो ये मैंने उसका एक सबसेट चूज़ कर लिया तो इसी तरह उन्होंने एक सबसेट चूज़ किया वी आई तक ठीक है अब आपने इसको शो करना है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है नाउ वी नीड टू शो डैट द कलेक्शन ऑफ वैक्टर्स ये जो एस आई एस वन हमने वैक्टर लिया इसकी जो कलेक्शन है उसको हमने शो करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है फॉर दिस इसके लिए हम क्या करेंगे फिर हम यानी कि फिर हम ये लिख लेते हैं कि बी वन वी वन प्लस बी टू वी टू प्लस ऑन प्लस बी बी आई वी आई इज़ इक्वल टू जीरो अगर हम ये शो कर दें कि ये जो बी वन बी टू बी आई सारे जीरो हैं तो फिर यहाँ से ये शो हो जाएगा कि ये जो हमने वी आई वी वन से वी आई तक कलेक्शन ली थी वो लीनियली इंडिपेंडेंट होगी तो हम इसको बाई डेफिनेशन यहाँ ऐसे लिखते हैं और फिर हम शो करने की कोशिश करते हैं कि ये जो बी वन बी टू सोन बी आई है वो सारे ज़ीरो हैं ठीक है अब हम देखें क्या करते हैं अगर हमने ये चीज़ लिख, लिख ली पीछे वाली चीज़ से तो फिर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं क्या मैं इसमें जीरो वी आई प्लस वन कर सकती हूँ क्योंकि ज़ीरो ही है कुछ भी ज़ीरो के साथ ज़ीरो नंबर ऐड किया जा सकता है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऊपर वाले को इसमें मैं फिर ज़ीरो आई प्लस टू ऐड कर सकती हूँ प्लस सो ऑन जीरो वी एन यानी कि मैं पूरे जितने एस में थे ना वेक्टर्स वहाँ तक के ज़ीरो ज़ीरो के साथ उसको कंबाइन कर देती हूँ ठीक है अब ये अगर आप देखें तो ये जो ऊपर वाली कलेक्शन हो गई जो लिखी हुई है ये तो फिर मेरे पास जो है वो ऐसे वाले वेक्टर्स का को जैसे हमने लिखा था ये तो वो वाली फॉर्म बन गई तो और ऐसा हमें पता है कि वो सारे क्या हैं वो तो एस uh, कलेक्शन हमें पता था वो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका क्या मतलब हुआ फिर जो हमारे पास बी वन है बी टू है बी आई है और ये तो ऑलरेडी ज़ीरो ज़ीरो है तो ये सारे क्या होंगे फिर ज़ीरो होंगे ठीक है और अगर ज़ीरो होंगे तो फिर हमें यही चाहिए था कि हम, हमें सिर्फ बी आई तक ज़ीरो मिल जाए तो वो हमें मिल गए तो यहाँ से क्या शो हो गया कि जो हमारे पास ऐसा ही कलेक्शन थी जो कि सबसेट था एस का वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है नेक्स्ट इसका पार्ट ये है कि हम आ, हमने ये शो करना है कि अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट हो तो उसका हर सुपर सेट यानी कि उससे बड़ा वो क्या होगा वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा ठीक है तो फिर हम गिवन ले, ले लेते हैं गिवन है एस इज लीनियरली डिपेंडेंट तो अगर एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो एस में हमारे पास वी वन से वी एन तक कलेक्शन थी वेक्टर्स की तो फिर हम उसको इस तरह बाई डेफिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट की वो लिख लेंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे नाउ वी वॉन्ट टू शो डैट हम शो करना चाहते हैं कि उसका हर सुपर सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा अब सुपर सेट का क्या मतलब है कि वो जो है वो एस सेट से बड़ा होता है ठीक है अब एस में तो वी वन से वी एन तक एलिमेंट्स है तो फिर हम उसके सुपर सेट जो कि जिसको हम एस टू का नाम देते हैं उसमें हम ले लेते हैं वी वन से वी एन तक और एक एलिमेंट एक्स्ट्रा और डाल लेते हैं ठीक है थीके? ताकि उसका सुपर सेट लगे वो ठीक है अब हमने इसको शो करना है क्या, कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है ठीक है इस कलेक्शन को हम शो करना चाहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर हम यही शो करना चाहेंगे ना कि अगर हम इसको v1 v2 वी टू ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ओन ए एन वी एन प्लस ए वी इज इक्वल टू जीरो आए और उसमें से कोई एक ऐसा हो वी आई ए आई ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो ये हम शो करेंगे उसके लिए इस एस टू के लिए चलें फिर हम स्टार्ट देते हैं चूँकि हमारे पास गिवन था कि एस एसलिनियली डिपेंडेंट है एस लीनियली डिपेंडेंट था तो हमने ये लिखा हुआ था ये जो हमने ऊपर ही उसकी डेफिनेशन यूज़ की थी ना ये वाली इसी को मैंने नीचे दोबारा लिखा है ठीक है अब अगर मैं इसमें ज़ीरो वी वन ज़ीरो वी ऐड कर दूँ तो मेरे पास क्या होगा क्योंकि मुझे मैंने तो उसको कहा है ना कि वो एस लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर मैंने उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस तरह लिख लिया अब ये जो मेरे पास लाइन लिखी हुई है लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में उसमें मैं जीरो वी एड कर सकती हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो दोबारा यही बन जाएगा अब जीरो वी हम इसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है और हमें पता है कि और ये भी हम लिख सकते हैं ठीक है तो अब देखें कि ये आपने ऐड किया है और साथ क्या लिखा हुआ है अब ये तो कलेक्शन होगी एस वाले एस टू वाले के लिए ठीक है और नीचे क्या लिखा हुआ है एटलीस्ट वन ए आई डज़ नॉट इक्वल टू जीरो इसमें एक ए आई ऐसा ज़रूर होना है, जो कि ज़ीरो नहीं है क्योंकि वो एस वाले में था ना ऐसा कि इसमें एक आई ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है तो हमने जो, जो ये जो कलेक्शन बनाई है एस टू के लिए बनाई तो उसमें वो भी सारे एलिमेंट आ गए जो एस में थे तो एस में तो ये कंडीशन भी थी ना वो कंडीशन भी इसके साथ आ गई ठीक है इसीलिए अब शो हो गया कि जो एस टू में एक ए आई ऐसा होना है जो कि ज़ीरो नहीं होना ठीक है तो यहाँ से शो हो गया कि जो हमारा एस टू था वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ये दो थ्योरम थे बहुत इंपॉर्टेंट है इनको कर लीजिएगा